ओम शांति। आज 4 जनवरी 2024 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था, बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में यह नॉलेज भी नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। दूसरा, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। वरदान है, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूरत भाव। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है, उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा न कोई, यह स्मृति इमर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूरत। स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। अव्यक्त ओम शांति।